Acropolis is converted into a sacred space. Okay. चलिए उधर से स्टार्ट करते हैं, लाइन से उधर जाएंगे पीछे फिर। काफी बड़ा म्यूजियम दिख रहा है, कुछ कुछ डिटेल्स इन लोगों ने लिख दी है तो समझ में आ रही है कि हाँ कैसे यहाँ पे गॉड और गॉडेस थे और कैसे उनकी कौन कौन उनकी बेटियाँ थीं, फिर उनकी कैसे शादी हुई, फिर उनका लाइफस्टाइल कैसे था और कौन से एरा में ऐसा क्या हुआ कि उनके लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए, वो सब इन लोगों ने म्यूज़ियम में कैप्चर करके रखा है। कौन से मार्बल्स यूज़ हुए, कौन इतना ट्रेजरी इनके पास कैसे था, हर एक चीज़ इन लोगों ने मेंशन करके रखी हुई है। तो ओवरऑल मुझे थोड़ा यही समझ में आ रहा है और हाँ काफ़ी अच्छी जगह लग रही है और बहुत ही बड़ी एरिया में इन लोगों ने बनाई है वाला म्यूज़ियम। एक फाइनल व्यू दिखाती हूँ यहाँ से, बहुत ही ज्यादा शांति लग रही है यहाँ पे, काफी अच्छी जगह पे है ये। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट जगह पे, कुछ देखते हैं कहाँ पे जाने वाले हम, बट हाँ ओवरऑल ऐसे ही दिख रहा है ये। होप कि आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। म्यूज़ियम के कुछ सेकंड और थर्ड फ्लोर पे ऐसा है कि हमें कुछ भी यहाँ पे वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं करना है, बट कुछ सेक्शंस में अलाउड है, तो मैंने जिस जिस सेक्शन में अलाउड था उस सेक्शन का कुछ कुछ पार्ट का वीडियो ले लिया है। ये सारों के पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट जो इसका अदर पार्ट है वहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है लोगों ने, हाँ लेकिन वो जो दूसरे सेक्शन में है उसमें मुझे पढ़ के इतना समझ में आया कि पर्सियंस ने कैसे अटैक किया था और कैसे इनका वॉर चला है और इनकी जो गॉडेस थी एथेना, उन्होंने कैसे लोगों को हेल्प की है और फिर इन लोगों की जो लाइफस्टाइल थी वो कैसे पूरी बदल गई। इन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया उसके बाद, बट हाँ ये लोग बहुत गॉडेस मानते थे एथेना को। गॉडेस मानते थे और फिर उसके इनका जो बिलीफ था वो कितना ज़्यादा था। और कुछ कुछ पार्ट्स में इन लोगों ने दिखाया है कि इस वॉर में जाने से पहले लोग कितनी तैयारी करते थे और फीमेल के अलावा मेल्स भी थे, जैसे जो ज्यूस किंग था वो भी कैसे उन्होंने हेल्प की है और लायन भी होता था, एलिफेंट भी होते थे, ये सब कुछ उन लोगों ने दिखाया है। कौन कौन से हथियार इन लोगों ने यूज़ किए हैं वो सब भी इन लोगों ने दिखाया है और किसी किसी पार्ट में इन लोगों ने प्रोजेक्टर लगा के रखा है जिसमें कुछ एक दो डॉक्यूमेंट्री मूवी चलाई है, तो उससे थोड़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही थी। हाँ बट लेकिन जो ग्रीक वाला जो लेटर्स हैं उनको पढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था, पर जहाँ जहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है उन चीज़ों को पढ़ के मैंने सोचा
आपको एक शॉर्ट टर्म बता देती हूँ कि ओवरऑल हुआ क्या था, हुआ क्या है यहाँ पे। और जो एक्चुअल इनकी जो ये जो बिल्डिंग है एक्रोपोलिस की, इसी बिल्डिंग से इन लोगों ने कुछ कुछ मार्बल्स लेके यहाँ एक्रोपोलिस म्यूज़ियम में रखा हुआ है, उसके जो पार्ट्स हैं। ठीक है, होप कि आपको कुछ अलग सा इन्फॉर्मेशन मिला हो, जैसे कि हम जो पढ़ते हैं या जो हमने कहानी सुनी है उसके अलावा आज मैंने थोड़ी रियलिटी में देखी तो मुझे अलग सा लगा। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हमारे इस डे का आज का क्या प्लान है। म्यूज़ियम तो हमने देख लिया है और जो भी हमारा नेक्स्ट प्लान होगा उसके हिसाब से। सारी चीज़ें हैं बट मैंने वेजिटेरियन एक पिज़्ज़ा और सोचा ऑरेंज जूस लेती हूँ, तो हम फाइनली अभी खाने वाले हैं। वेट कर रहे हैं कब आने वाला है। और काफ़ी अच्छा बनाया है यहाँ पे, लोग बैठे हुए हैं बाहर और इन्जॉय कर रहे हैं। आ गया हमारा ऑरेंज जूस, ये रहा और ये रहा पिज़्ज़ा, वेजिटेरियन पिज़्ज़ा। फटाफट खा के देखती हूँ कैसा लग रहा है। हाँ, ऑरेंज जूस तो बहुत अच्छा है। तब तक के लिए बाय।